हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 21 फरवरी 2019 वार गुरुवार की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इंडियन रेलवेज हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय कन्वर्टिंग ए डीजल लोकोमोटिव इनटू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। दिस ऑल न्यू कन्वर्टेड एनर्जी इफिशियंट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ बाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन वाराणसी। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे ने दुनिया में पहली बार डीजल लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में परिवर्तित करके इतिहास रचा है। इन सभी नए परिवर्तित ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक इंजन को वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट, सऊदी अरबिया बिकम द 73rd नेशन टू साइन द इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ISA वाज अनवील्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी एंड फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसोइस होलैंड इन 2015। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां राष्ट्र बन गया है। 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा ISA का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट, KJ अल्फोंस यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म इनोग्रेटेड द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ इको सर्किट। पठान मिथा गावी वागामो तेकड़ी अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एट वेगामोन केरला। KJ अल्फोंस केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने केरल के वासनम में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत डेवलपमेंट ऑफ इको सर्किट पठान मथिटा गावी वागाम्बो थेक्कड़ी परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स स्मृति जुबीन ईरानी लॉन्चेज फॉर प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिल्क सेक्टर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने रेशम क्षेत्र के विकास के लिए आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्वोत्तर में 4 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन सुरेश प्रभु लॉन्चेज सोमवत इन न्यू दिल्ली। स्वायत्त इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट स्टार्टअप्स वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में स्वायत्त का शुभारंभ किया। स्वायत्त गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पर ई लेन देन के माध्यम से स्टार्टअप महिला और युवा लाभ को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 3,350 करोड़ रुपीज फॉर वाराणसी उत्तर प्रदेश। दीज प्रोजेक्ट्स पर्टेन टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ हेल्थ सैनिटेशन स्मार्ट सिटी कनेक्टिविटी पावर हाउसिंग एंड अदर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए
3,350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्मार्ट सिटी कनेक्टिविटी, बिजली, आवास और अन्य क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। आइए बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, विज्ञान एवं तकनीकी समाचारों की। साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन साइपैड सेंटर एंड द नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब वर इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड एलजी अनिल बैजल इन द्वारका न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के द्वारका में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और एलजी अनिल बैजल, उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा साइबर रोकथाम जागरूकता और जांच साइपैड केंद्र और राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब NCFL का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, बैंडी कोट ए ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट द कुंभकोणम सिटी कॉरपोरेशन एज पार्ट ऑफ एफर्ट टू राइड ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग एट द कॉस्ट ऑफ 18 लाख रुपीज इन चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई में 18 लाख रुपए की लागत से मैनुअल स्केवेंजिंग से छुटकारा पाने के प्रयासों के तहत भारत में पहली बार कुंभकोणम नगर निगम में एक ड्रेनेज सफाई रोबोट बैंडिकूट को पेश किया गया है। आइए बात करते हैं बिजनेस और बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग और व्यापार समाचारों की। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन द प्राइवेट सेक्टर अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ट्रिप प्रोटेक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी ए पायोनियरिंग पॉलिसी इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट इन इंडिया। निजी क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा प्रदाता HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत में नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में एक अग्रणी पॉलिसी ट्रिप प्रोटेक्टर बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड रिलीफ टू एंड बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स इनटू स्टार्टअप्स इन इंडिया हैज डिसाइडेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस फॉर देम टू गेट एक्सेम्प्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत में स्टार्टअप में निवेश को राहत देने और बढ़ावा देने के प्रयास में आयकर अधिनियम 1961 के तहत छूट प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रेजेंटेड द 7th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स इन ए फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड एट नेशनल मीडिया सेंटर इन न्यू दिल्ली। द थीम फॉर द प्रोफेशनल कैटेगरी वाज वुमेन लेड डेवलपमेंट वाइल द थीम फॉर अमेच्योर कैटेगरी वाज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल विभाग के राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक समारोह में 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए। व्यावसायिक श्रेणी का विषय वुमेन लेड डेवलपमेंट था जबकि एमेच्योर श्रेणी का विषय फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट बात करते स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचारों की। मलेशियाज 8-time वर्ल्ड चैंपियन निकोल डेविड हैज अनाउंस्ड दैट सी विल कॉल टाइम ऑन हर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैरियर एट द एंड ऑफ 2018-90 सीजन। मलेशिया की 8 बार के विश्व चैंपियन निकोल डेविड ने घोषणा की है कि वह 2018-19 सीजन के अंत में अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैरियर को समाप्त करेंगी। नेक्स्ट बात करते ऑप्टोरिज निधन की। नोटेड हिंदी राइटर नामवर सिंह पास्ड अवे इन न्यू दिल्ली। ही वाज 92 ईयर्स ओल्ड। सिंह वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ JNU's सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ही हैज ऑथर्ड ओवर डजन बुक्स इंक्लूडिंग कविता के नए प्रतिमान, छायावाद एंड दूसरी परंपरा की खोज अमोंग अदर्स।
प्रख्यात हिंदी लेखक नामवर सिंह का नई दिल्ली में निधन हो गया है। वह 92 वर्ष के थे। प्रोफेसर नामवर पिछले कुछ समय से बीमार थे और उनका इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चल रहा था। सिंह जेएनयू के भारतीय भाषाओं के केंद्र के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने कविता के नए प्रतिमान, छायावाद और दूसरी परंपरा की खोज सहित दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, अमेरिकन मिलिट्री वेटरन एंड नॉवेलिस्ट विलियम ई बटरवर्थ थर्ड बेटर नॉन एज WEB ग्रैफिन पास्ट अवे एट द एज ऑफ 89 ईयर्स। ही जॉइंड द आर्मी एट द एज ऑफ 17 एंड हैज सर्व्ड इन द कोरियन वार। WEB ग्रिफिन के नाम से प्रसिद्ध अमेरिकी सैन्य दिग्गज और उपन्यासकार विलियम ई बटरवर्थ थर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 17 वर्ष की आयु में सेना में शामिल हुए थे और कोरिया युद्ध में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो आपका करंट अफेयर्स है और सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें। हमारे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।